व्हाट इज अप गाइस, तो गाइस फाइनली मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप ही के डिमांड पे टॉप 10 वायरल जियो कॉलर ट्यून, जो कि आप लोग ने मुझे डिमांड किया था, जो कि इंस्टा पे कमेंट किया था, जो कि आप लोग ने मुझे वीडियो के नीचे भी कमेंट किया था। तो गाइस ये वाली वीडियो हम लोग की सबसे ज्यादा इपिक होने वाली है, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा लोग मुझे कमेंट किए थे सॉन्ग को अवेलेबल कराने के लिए। बिकॉज अभी इंस्टा पे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफी ज्यादा रील्स लोग बना रहे, तो ये वाली वीडियो तो देखना बनता है बॉस। तो फटाफट से चलते गाइस अपने माय जियो एप्लीकेशन में, वही सेम रूल है अपना, वही 3 डॉट पर क्लिक करके सिंपल से माय जियो एप्लीकेशन पे आ जाना। इसी तरह आप अपने माय जियो एप्लीकेशन पे आ जाते हो तो हमारा जो पहला कॉलर ट्यून है वो भी नेक्स्ट लेवल का था। सबसे पहले मैं आपको उसका छोटा सा एक पार्ट प्ले करके सुना देता हूं। तो सिंपल से आप लोग को गाइस सर्च करना एक तेरे शिवा, ठीक है, और यहां पर ना कोई, ये तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग को सिंपल सा राइट करना है फर्स्ट में एक तेरे शिवा ना कोई। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो तेरे साथ हो, जो कि अभी यूट्यूब पे ये रिसेंटली ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप लोग ट्रस्ट नहीं करते हो गाइस, तो मैं आप लोग को यूट्यूब पर ट्रेंडिंग सेक्शन में ले जाकर दिखा सकता हूँ। तो गाइस यहां पर जाओगे म्यूजिक में, तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये गुरु रंधावा का सॉन्ग है एंड ये अभी भी ट्रेंडिंग पे ही चल रहा है। फिर जिसी तरह आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर आते हो, उसके बाद ट्रेंडिंग सेक्शन पे आते हो, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये वाला सॉन्ग अभी भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जिसका नाम है तेरे साथ हो, एंड ये अभी इंस्टा पे काफी ज्यादा इस पे रोल लोग रील्स भी बना रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर जिसी तरह सर्च करते हो, इसका एक छोटा सा पार्ट मैं प्ले करके सुना देता हूँ, एंड डेफिनेटली गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एक तेरे सिवा ना कोई दूसरा जिसमें तुझ जैसी बात हो। तो आई होप गाइस कि हमारी पहली कॉलर ट्यून आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस वीडियो पर मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ उसको फटाफट से कंप्लीट कर देना अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके। 1000 लाइक्स जल्दी कंप्लीट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए जल्दी लाओ। अब चलते गाइस अपने सेकंड कॉलर ट्यून की तरफ। सेकंड कॉलर ट्यून का नाम है गाइस, यहां पर आप लोग सिंपल से लिखना है गाइस बंदी चढ़ गई। तो गाइस जिसी तरह यहां पर आप लोग लिखते हो बंदी चढ़ गई, एंड ये वाला कॉलर ट्यून मिलने का बाय का, और ये वाला कॉलर ट्यून आप लोग को डेफिनेटली पसंद आने वाला, बिकॉज मेरा खुद का भी फेवरेट था, से 2 दिन पहले मैंने काफी दिन तक सेट करके रखा था। तो आप लोग इसका एक छोटा सा पार्ट प्ले कर देता हूँ, सुनकर देखो। पता है कि तन तेरी बंदी छट गई, पता है कि तेरा बड़ा बड़ा कट गई। अच्छा, तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने थर्ड कॉलर ट्यून की तरफ, एंड थर्ड कॉलर ट्यून तो गाइस ना आप मना कर सकते हो ना मैं मना कर सकता हूँ, क्योंकि ये हर किसी को ही पसंद आता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा वायरल कॉलर ट्यून है एंड काफ़ी लोग इस कॉलर ट्यून के बारे में जानते भी है। तो गाइस सिंपल से आपको लिखना है मेरी माँ, यहाँ पर लिखना है मेरी माँ के बराबर। तो गाइस आप लोग ने ये वाला कॉलर ट्यून बहुत सारे लोग के फोन्स में सुने होंगे, और ये वाला कॉलर ट्यून लिटरली काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का, एंड इसको मैंने पर्सनली आज मैंने खुद सेट किया गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ, आपको डेफिनेटली पसंद आना ही आना है। तो अपने मम्मी के लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ। तो आई होप गाइस कि आप लोगों की थर्ड वाली कॉलर ट्यून पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ बेसिक सी बात मैंने बता चुका है कि लाइक शेयर कर देना। अब बढ़ते गाइस अपने फोर्थ कॉलर ट्यून की तरफ, जिसका नाम है मेरी दीवानी है तू, एंड ये वाली कॉलर ट्यून गाइस गुरु रंधावा का, एंड ये वाला कॉलर ट्यून आई होप कि आप लोग सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सिंपल सा गाइस आप लोग को लिखना है मेरी दीवानी है, एंड यहाँ पर लिख देना है आप लोग को तू। तो गाइस जिसी तरह यहाँ पर लिखते हो मेरी दीवानी है तो यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट में कॉलर ट्यून शो कर देता है या नहीं करता, अभी देखते हैं सर्च करके। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट में आप लोगों को शो कर रहा है, तो ये वाला कॉलर ट्यून को मैं छोटा सा प्ले करके सुना देता हूँ, एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मेरी दीवानी है तू, तेरा दीवाना हूँ मैं। तो गाइस अब बढ़ते हम अपने फिफ्थ कॉलर ट्यून की तरफ, और फिफ्थ कॉलर ट्यून का नाम है गाइस हमारा ना पीने वालों से। तो सिंपल से गाइस आप लोग को लिखना है ना पीने, एंड यहाँ पर से आप लोग को लिख देना है ना पीने वालों से। तो गाइस जिसी तरह यहाँ पर आप लोग लिखते हो ना पीने वालों वालों से, तो यहाँ पर आप लोग को ये सॉन्ग आपको फर्स्ट में ही आई होप शो कर देता है। तो ये भी कॉलर ट्यून आप लोग को बहुत ज़्यादा डेफिनेटली पसंद आएगा, बिकॉज ये भी रोज़ रात का है, जो कि अभी मिलिंद गाबा का सॉन्ग रिलीज हुआ था। ना पीने वालों से है बात ही नहीं, ना जाम चले ऐसी रात ही। तो गाइस आई होप कि ये भी कॉलर ट्यून आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते गाइस हम अपने सिक्स्थ कॉलर ट्यून की तरफ, और सिक्स्थ कॉलर ट्यून का नाम है गाइस ट्रिपी ट्रिपी बीट पे। तो आप लोग को पता होगा कि ये अभी इंस्टाग्राम के रील्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आप लोग को मालूम ही होगा। तो सिंपल सा आप लोग को लिखना है गाइस ट्रिपी ट्रिपी बीट पे। तो गाइस जिसी तरह यहाँ पर ट्रिपी ट्रिपी बीट पे सर्च करते हो, तो आप लोग को ये वाला सॉन्ग फर्स्ट पे ही शो कर देता है। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना देता हूँ, एंड डेफिनेटली आप लोग को पसंद आएगा। ट्रिपी ट्रिपी बीट पे जो मेरे जी।
इसी के साथ गाइस बढ़ते हैं हम अपने सेवंथ कॉलर ट्यून की तरफ। सेकंड कॉलर ट्यून का नाम है गाइस दुनिया बनाने वाले, और सिंपल सा आप लोग को गाइस लिखना है दुनिया, एंड यहाँ पर लिखना है आप लोग को दुनिया बनाने वाले। तो गाइस जिस तरह आप लोग यहाँ पर लिखते हो दुनिया बनाने वाले, तो आप लोग ये वाला सॉन्ग आप लोग को लास्ट में एकदम शो करेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एज यू कैन सी। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट मैं प्ले करके सुना देता हूँ गाइस, आप लोग को डेफिनेटली पसंद आएगा, एंड लाइक कर देना। दुनिया बनाने वाले तूने ये क्या। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने एट्थ कॉलर ट्यून की तरफ, और एट्थ वाला कॉलर ट्यून गाइस बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। तो सिंपल सा गाइस आप लोगों को लिखना है यहाँ पर ब्यूटीफुल, एंड यहाँ पर आप लोगों को लिखना है रिमिक्स। तो गाइस ये मिलन गावा का एक रिमिक्स कॉलर ट्यून है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बिकॉज मुझे खुद ही पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तो सिंपल सा गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये वाला इसकी थीम है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ, एंड डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नाइन्थ कॉलर ट्यून की तरफ, और नाइन्थ वाला कॉलर ट्यून तो गाइस आप लोग सुनने के बाद फैन होने वाले हो, बिकॉज ये वाली कॉलर ट्यून के बारे में मैं कहूँ ही क्या कहूँ। तो मैं सिंपल सा गाइस आप लोग को सबसे पहले तो लिखना है टेक मी, एंड यहाँ पर लिखना है गाइस आप लोग को टेक मी अवे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रहे कि एक वर्ड भी अगर सॉन्ग का गलत लिखोगे तो सॉन्ग शो नहीं करेगा, ये मैं हर एक वीडियो में आप लोग को बताते आता हूँ, ठीक है। तो याद रहे कि अगर अवे के वाई के जगह पे वाई के जगह पे जेड लिख दे तो सॉन्ग आप लोग को शो नहीं कर सकता, ये यूट्यूब नहीं है, ठीक है, कि कुछ भी गलत सलत लिख दोगे तो वही सॉन्ग आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लोग को एकदम राइट लिखना है स्पेलिंग। तो सिंपल सा गाइस आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, तो गाइस जिस तरह डाउन करके नीचे आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सॉन्ग शो कर देगा एज यू कैन सी। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ, एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अखियां च हंजू मेरे तेरी आही यादा विच। तो आई होप गाइस कि ये वाली नाइन्थ कॉलर ट्यून आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज इस वीडियो पे मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो फटाफट से कंप्लीट कर देना, ठीक है। अब बढ़ते गाइस अपने लास्ट कॉलर ट्यून की तरफ, और लास्ट वाला कॉलर ट्यून का नाम है गाइस आज दी रात, और यहाँ पर सिंपल सा गाइस जैसे मैं लिख रहा हूँ एंड सेम टू सेम वैसा ही आप लोग को लिखना है तेरा, यहाँ पर लिख देना आप लोग को इश्क। तो गाइस जिसी तरह लिखोगे यहाँ पर आज दी रात तेरा इश्क, तो आप लोग को सॉन्ग यहाँ पर शो कर देता है फर्स्ट पे ही। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ गाइस, एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, अगर आप लोग को कोई पर्सनली कॉलर ट्यून चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, एंड इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। सबसे पहले फॉलो कर लेना इंस्टा पे, क्योंकि कोई भी कॉलर ट्यून रिलीज करने से पहले मैं वहाँ पर आपको नोटिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन, एंड वीडियो को 1000 लाइक का टारगेट रखा है जैसे कि मैंने आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, तो 1000 लाइक कंप्लीट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।